रेड ब्लड सेल्स हैं ये वाले, ठीक है। तो सिंपल एक बार वापस से बताता हूँ, दिस इज द बोन। बोन का जो मिडिल पार्ट होता है उसे बोलते हैं डायफाइसिस, जो हेड रीजन होता है उसे बोलते हैं एपिफाइसिस। डायफाइसिस इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ एलोंगेशन। उसके सेंटर में देयर इज अ कैविटी जिसको हम बोलते हैं येलो बोन मैरो कैविटी। उसके ऊपर एक होता है कार्टिलेजिनस कैप, और फिर जो हेड के हेड रीजन जो कैविटी के अलावा जो बोन मैरो होता है उसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। एंड बोन मैरो एज यू नो फॉर्म्स द डिफरेंट सेल्स, जितने भी बॉडी में सेल्स वगैरह होते हैं ना, सेल्स ऑर्गन्स एनीथिंग, तो वो बोन मैरो ही बनाता है। बोन मैरो से ही वो स्टार्ट होते हैं। बोन मैरो इज द इनिशियल सेल गिवर, बोन मैरो से ही सेल निकलते हैं और फिर वो सब चीजें बनती है, ठीक है। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि भाई ये जो बोन है ये इतना स्ट्रांग कैसे हो जाता है ना, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो बोन मैरो है ये इतना स्ट्रांग कैसे हो जाता है। आपने एक चीज देखी होगी, जब अगर कभी घर वर बनता है किसी का, जब घर बनता है तो हैव यू सीन द पिलर्स, जो पिलर होते हैं साइड में जो पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके रखते हैं, हैव यू सीन व्हाट इज इनसाइड दोस पिलर्स, जो एक किसी भी घर को पकड़ के रखते हैं, देयर आर फोर पिलर्स अराउंड इट, वो पिलर्स के अंदर क्या होता है, हैव यू सीन, देयर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ समथिंग, रॉड्स मेड अप ऑफ आयरन, आयरन रॉड्स होती है उसके अंदर, देन देयर इज अ कॉन्क्रीट एडेड, उसके वजह से वो डबल स्ट्रांग हो जाता है, उसके वजह से वो डबल स्ट्रांग हो जाता है। तो सिमिलरली उन्हीं रॉड के सिमिलर इनके अंदर भी एक हॉलो स्पेसेस होती है, इनके अंदर भी हॉलो स्पेसेस होती हैं, दैट गिव्स एन एक्स्ट्रा सपोर्ट। ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इज, देखो क्या मैं आपको बता रहा हूँ अभी, दिस इज दियर बोन। अगर मैं बोन को ऐसे कट करूँ, ठीक है, बोन को मैं बीच में से कट करूँ और फिर मैं आपको वो पार्ट दिखा रहा हूँ, वो जो हॉलो आप देख रहे हो, कट करके मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है अंदर, ठीक है। अभी इमेजिन करो, देखो इमेजिन करो, ये रहा आपका वो आउटर लेयर, बोन का आउटर लेयर, बिकॉज देखो यहाँ पे हमने देखा था कि देयर इज अ कैविटी, यहाँ पे देयर इज अ कैविटी, तो ये कैविटी भी बीच में दिखाई देगी आपको, ये कैविटी भी बीच में दिखाई देगी, ठीक है। देयर इज एन आउटर लेयर, देयर इज एन इनर लेयर, इनर लेयर के अंदर देयर इज अ बोन मैरो, यहाँ पे इसके अंदर देयर इज अ बोन मैरो, इसके अंदर देयर इज बोन मैरो। तो जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पेरिओस्टियम, ओके, जस्ट रिमेंबर द नेम्स। जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पेरिओस्टियम, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोस्टियम। सॉरी मैं मार्क गलत कर रहा हूँ, आउटर लेयर इज दिस, outer layer is this, this is periosteum, and inner layer is called as endoosteum, correct hai, ye cheez samajh mein aayi, periosteum and endoosteum। now ye wala diagram transverse section dikhane ka reason ye tha ki there are hollow spaces hoti hain ye, jo pure bone ke through pass hoti hai। jaise agar hum is diagram mein dekhenge na, to wo hollow spaces aise longitudinally pass karegi। अगर आप देखिए, हम अभी ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, I'm coming to that point। What is the work of bone marrow? Bone marrow gives to every individual cell, जितने भी cells होते हैं, initially जो cells produce होते हैं, वो bone marrow से ही आता है। Bone marrow is very important, ठीक है? जितने भी initially cells होते हैं, bone marrow से ही आते हैं। How do blood vessels reach inside the bone marrow? That is what is the function of Haversian canal. Okay, Pratik, that is the work of Haversian canal. We are coming on that. Okay, so this is the structure, right? This is the structure. So, इसमें जो ये मैं आपको hollow spaces बता रहा हूँ, these are not the pillars, but these are hollow spaces through which your blood vessels and your nerve cells, blood vessels and nerve cells. ये पास करती है, ठीक है, समझ में आया। ये जो आपके होलो, बिकॉज देखो यार, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ये जो पूरा बोन बना हुआ है ना, ये बहुत सारे डिफरेंट सेल से बना हुआ है, तो उन सेल तक आपको ब्लड सप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो वो ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होता है, बिकॉज दीज आर द रीजन जो हमारे पूरा स्ट्रक्चर, ये बोन ही है जो हमें पूरा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर दे के रखता है ना, तो इसका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। That's why ये जो आप hollow structure देख रहे हो, these are called as Haversian canal। तो इसके अंदर क्या होता है, blood vessels and nerve fibers इनके through pass होते हुए पूरी body में run करता है, इनके through pass होते हुए body में run करता है, और जो भी nerves signals चाहिए होते हैं, electrical signals चाहिए होते हैं, blood vessels से oxygenated blood होता है, waste होता है,
एवरीथिंग ये ब्लड वेसल्स इन्हें प्रोवाइड करती है, और ये ब्लड वेसल्स पास होती है हवर्सियन कनाल से, ठीक है, हवर्सियन कनाल से ये ब्लड वेसल्स पास होती है, ठीक है। इतना आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ये था ओवरव्यू एक ब्लड का, ठीक है। अब देखो, अब एक जो एक बोन होता है वो बोन बना कैसे होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो बोन है वो कितने टाइप के सेल से बना होता है, ठीक है। वी नो दैट वो सेल्स जो भी सेल्स की हम बात करेंगे अभी, वो सेल्स कुछ ऐसा सिक्रीट करते हैं जिससे बोन स्ट्रांग हो जाता है ना। वो जो सेल्स हैं कुछ ऐसा सिक्रीशन करते हैं जिससे बोन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। देखो टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ अ बोन, एक बोन में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, तो नंबर वन जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट, नंबर टू इज कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स, नंबर थ्री इज कॉल्ड एज ऑस्टियोक्लास्ट्स। सो किसी भी सेल के पीछे अगर ब्लास्ट जुड़ा होता है ना, तो मेनली दैट इज द इनिशिएटर, दैट इज द सिक्रीटर, यानी वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल होते हैं जो बोनीमेट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। बोनीमेट्रिक्स से आप क्या समझ रहे हो, जो आप ये रियल में जो बोन आप देखते हो, वाइट कलर थिंग बोन, सो दैट इज योर बोनी मैट्रिक्स, एंड दैट मैट्रिक्स इज सिक्रीटेड बाय विच सेल, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट वो सिक्रीट करता है मैट्रिक्स, फिर ऑस्टियोब्लास्ट ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है ऑस्टियोसाइट्स में, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट टुवर्ड्स द लेटर स्टेज ऑफ इट्स लाइफ ट्रांसफॉर्म्स इनटू ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स का कोई काम नहीं है, ऑस्टियोसाइट्स बस जो बोनी स्केलेटल सिक्रीट किया है ना उसको मेंटेन करके रखता है, उसकी देखभाल करता रहता है। बोनी स्केलेटल जो है, बोनी मैट्रिक्स है, बोनी मैट्रिक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट बस उस बोनी मैट्रिक्स को पकड़ के रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है, उसको सपोर्ट देके रखता है ऑस्टियोसाइट्स। फिर ऑस्टियोक्लास्ट्स क्या होते हैं, जब ये ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट जब एज हो जाती है तो ये ऑस्टियोक्लास्ट इन एज्ड सेल्स को एनगल्फ कर लेता है। दे आर द ईटिंग सेल्स, दे रिमूव द ओल्ड ऑस्टियोसाइट्स। जो ओल्ड ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं अभी, उनको ये ऑस्टियोक्लास्ट खा जाता है। आई बात समझ में? तो ये तीन टाइप के सेल से बना हुआ। अब ये वाले सेल्स, आप पूछोगे ये वाले सेल्स कहाँ से आए, तो ये वाले सेल्स आते हैं आपके स्टेम सेल से, ठीक है। ये वाले सेल्स आते हैं आपके स्टेम सेल से, जो भी बोन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। दी सेल्स ऑल्सो अराइज फ्रॉम स्टेम सेल्स, और ये भी स्टेम सेल्स भी आपके बोन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, मोस्टली इन द येलो बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो आप देख रहे हो, बोन मैरो के अंदर ही स्टेम सेल्स होते हैं। आई बात समझ में? येलो बोन मैरो जिसकी बात कर रहे हैं, सेंटर में जो है उसके अंदर ही आपके स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टेम सेल्स तो पूरी बॉडी को जनरेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना स्टेम सेल, इससे बहुत सारी बीमारियां वगैरह ठीक होती है स्टेम सेल से। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही स्टेम सेल्स, अगर कोई डिजीज डिटेक्ट हो जाता है ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसके स्टेम सेल्स चेंज कर दिए जाते हैं। स्टेम सेल्स जैसे ही चेंज हो जाते हैं, बिकॉज अभी तक वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, या फिर अभी तक बहुत ही टुवर्ड्स द अभी बस बॉर्न होने वाला है, उस टाइम पे अगर कोई डिजीज वगैरह पता चल जाता है तो स्टेम सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, स्टेम सेल्स को चेंज कर देते हैं, और फिर बिकॉज यही स्टेम सेल्स पूरी बॉडी के सेल्स बनाने वाला है, ठीक है। तो ये हैं तीन टाइप के सेल्स जो पूरे बोन्स को बनाते हैं। वन इज ऑस्टियोब्लास्ट जो बोनी मैट्रिक्स सिक्रीट करता है, वन इज ऑस्टियोसाइट जो उसको मेंटेन करके रखता है, वन इज ऑस्टियोक्लास्ट जो ये दोनों जो ऊपर वाले जो वो हो जाते हैं एज्ड हो जाते हैं उनको एनगल्फ कर लेता है, उनको खा लेता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, बोन स्ट्रक्चर कैसा होता है समझ में आया, हवर्सियन कनाल क्या होता है वो आपको समझ में आया, डायफाइसिस क्या होता है वो पता चला, एपिफाइसिस क्या होता है वो पता चला, बोन मैरो पता चला, स्टेम सेल्स पता चला। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये जो मैट्रिक्स बनी होती है, जो ये सेल सिक्रीट कर रहा है, जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट है,
ऑस्टियोब्लास्ट है जो बोनी मैट्रिक्स सिक्रीट कर रहा है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, ये मैट्रिक्स बनी किससे होती है? द मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एज ओसिन, ओ एस सी आई एन, ओसिन। ठीक है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ओसिन, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जैसे कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो बोनी मैट्रिक्स का कंपोजिशन आप पता करोगे, बोनी मैट्रिक्स का कंपोजिशन आप पता करोगे जो ऑस्टियो ब्लास्ट सिक्रीट कर करके बना रहा है, तो उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा एक जिसका नाम है ओसिन, और सॉल्ट्स मिलेंगे जिसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो हार्ड मटेरियल होता है बोन का वो इन्हीं के वजह से होता है, मैट्रिक्स के वजह से, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के वजह से एंड प्रोटीन्स के वजह से। समझ में आ गई बात? तो मैट्रिक्स इससे बना होता है। मैट्रिक्स किससे बनता है? मैट्रिक्स बनता है ये वाले सेल्स से, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, इनके वजह से बनता है मैट्रिक्स। और जो पूरा बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्हीं सेल्स के वजह से बनता है। और ये सेल्स कहाँ से आते हैं भाई? ये सेल्स आते हैं स्टेम सेल्स से। स्टेम सेल्स कहाँ होते हैं? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अब देखो अरेंजमेंट ऑफ दी सेल्स एंड मैट्रिक्स गिव अस कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी सेल्स। देखो अभी हम दोनों का अरेंजमेंट देखने वाले, कॉम्पैक्ट का देखेंगे पहले, फिर अपन स्पॉन्जी का देखेंगे। तो इन्हीं का अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड एवरीथिंग, इन्हीं का अरेंजमेंट, ये कैसे अरेंज है, कैसे सिक्रीशन कर रहे हैं, कैसे दे आर सिक्रीटिंग, किस वे में दे आर सिक्रीटिंग द मैट्रिक्स, तो उस वे में दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे सेल्स बन के आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स बन के आते हैं। वन इज कॉम्पैक्ट एंड वन इज स्पॉन्जी। नाम पता चल रहा है, सम कॉम्पैक्ट बोन्स आर वेरी हार्ड बोन्स, कॉम्पैक्ट बोन आर वेरी हार्ड बोन्स विद नो इंटरसेलुलर स्पेस, बीच में स्पेसेस नहीं है, एंड स्पॉन्जी सेल्स हैव सम काइंड ऑफ अ स्पेसेस बिटवीन देम। स्पॉन्जी वाला हैव सम काइंड ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम। तो अगर हम एक कॉम्पैक्ट बोन की बात करें कि भाई वो बोन कैसा दिखेगा, ठीक है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आप इसको ध्यान से सुनना नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो अब मैंने एक रीजन है जिसको एलोंगेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन अगर मैं आपको दिखाऊं ना, जो मैंने ये ब्लू कलर से पेन से बनाया हुआ, ये वाला मैंने इतना रीजन को लाके इसको जूम इन किया हुआ है। ठीक है, इतने से रीजन को मैंने क्या किया हुआ है, जूम इन किया हुआ है। तो ये रहा वो रीजन, इमेजिन करो इसको ऐसे, इमेजिन इसको ऐसे करो। ठीक है, आई बात समझ में? आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? Are you imagining what I want to show you? You got the point ना? कि मैंने इस पार्ट को जूम इन कर लिया, इस पार्ट पे हमने जूम इन कर लिया, अब हम ऐसे देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये वही है हमारा पेरिओस्टियम, ये रहा एंडोस्टियम, ये रहा, इसके अंदर बोन मैरो मिलेगा, यस और नो, है ना? क्योंकि भाई इसके अंदर बोन मैरो है, यहाँ पे अगर इसके अंदर ये गोल अंदर वाले गोले के अंदर बोन मैरो है, तो इसके अंदर भी बोन मैरो तो होगा, ये रहा बोन मैरो। ठीक है जी, तो ये रहा अपना पेरिओस्टियम और ये रहा हमारा एंडोस्टियम। इसके बीच में देखो यहाँ पर ये रहे जो राउंड राउंड है हमारे हर्वेसियन कनाल्स आएंगे, यस और नो, हर्वेसियन कनाल्स भी होंगे। ये रहे मैंने बना भी रखे हैं यहाँ पे हर्वेसियन कनाल्स, ये रहे यहाँ पे हर्वेसियन कनाल्स क्या होते हैं, इनके थ्रू हमारा नर्व फाइबर्स एंड अपना ब्लड वेसल्स पास करती हैं। ठीक है, अब देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। देखो अरेंजमेंट ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, अब इस पर्टिकुलर सीन में जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स इज नथिंग बट ऑस्टियोब्लास्ट ट्रांसफॉर्म करके बन जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? जो सेल्स मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो इसमें देखो यहाँ डायग्राम पे अभी हमें ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा एक राउंड, ठीक है, दिस इज वन हवेशियन कनाल। अब एक हवेशियन कनाल को अगर मैं जूम इन करूँ ना, तो ये रहा, तो दिस इनर ब्लैक कलर राउंड स्ट्रक्चर इज योर वन हवेशियन कनाल। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑस्टियोसाइट्स, बिकॉज ये ऑस्टियोसाइट, मतलब देखो अभी मैं अगर आपको बोलूँ ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट, आप दोनों को समझना एक ही है, बिकॉज यार ऑस्टियोब्लास्ट ही ट्रांसफॉर्म होकर ऑस्टियोसाइट बन जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर मैं बोल रहा हूँ ऑस्टियोसाइट मैट्रिक्स फॉर्म कर रही है, तो दिस शुड बी योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर कॉमन सेंस कि भाई ऑस्टियोसाइट्स अगर बोल रहे हैं तो ऑस्टियोसाइट्स इज नथिंग बट योर ऑस्टियोब्लास्ट, बिकॉज ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट ही कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स में, तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। सो अब हमें देखना है कि भाई ये ऑस्टियोसाइट्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, बिकॉज देखो जैसा इनका अरेंजमेंट होगा उस वैसा ही ये लोग मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे,
समझ रहे हो, जैसे इनका अरेंजमेंट होगा, मान लो इनका सर्कुलर अरेंजमेंट है तो ये सर्कल में मैट्रिक्स सीक्रेट करेंगे, मान लो इनका लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट है, एक के पीछे एक ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, तो भाई ये शायद लेफ्ट हैंड साइड पे सीक्रेट करें या शायद लेफ्ट राइट हैंड साइड पे सीक्रेट करें, राउंड में होगा तो राउंड में करेंगे, स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर में सीक्रेशन करेंगे। समझ में आ गया लॉजिक क्या है? तो देखो कैसे अरेंजमेंट होता है, दिस इज योर ब्लैक कलर इज योर हवेशियन कैनाल, तो इसके बीच में कंसेंट्रिक रिंग्स होती है जिनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमेला, जिनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमेला। अब कंसेंट्रिक लैमेला, कंसेंट्रिक लैमेला के अंदर, कंसेंट्रिक लैमेला के अंदर हमारे एक एक हॉलो स्पेस होता है, इररेगुलर स्पेसेस होते हैं, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर, ये रेड कलर के हॉलो स्पेसेस होते हैं। इन हॉलो स्पेसेस का एक नाम भी है आई गेस, उनको बोलते हैं, जस्ट गिव मी वन मिनट, लैक्यूना। हाँ ये रहा, ये जो है ना, ये जो रेड कलर का एक है इसको लैक्यूना बोलते हैं। लैक्यूना, लैक्यूना इज लाइक अ हॉलो स्पेस जिसके अंदर आपके आपके ऑस्टियोसाइट सेल बैठे होंगे, ठीक है, इनको लैक्यूना बोलते हैं। तो देर आर मेनी मेनी लैक्यूना, देर आर मेनी लैक्यूना एंड इफ यू सी ईच लैक्यूना इज कनेक्टेड टू ईच अदर, ये लैक्यूना एक दूसरे से भी इंटरैक्ट करते हैं। और लैक्यूना के अंदर क्या होता है, आपके ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, यानी देखो ऑस्टियोसाइट कैसे रिंग में अरेंज है, यहाँ पर भी देखोगे आप तो ऑस्टियोसाइट कैसे रिंग में अरेंज है, और ऑस्टियोसाइट्स का एक दूसरे से कनेक्शन भी है बिकॉज लैक्यूना एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिकॉज लैक्यूना एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमेला, बिकॉज ये लैमेला कंसेंट्रिक यानी राउंड राउंड, ठीक है, एक के अंदर एक सर्कल, और उन लैमेला के अंदर क्या है, लैक्यूना है। लैक्यूना इज लाइक हॉलो इररेगुलर स्पेसेस, इन इररेगुलर स्पेसेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, और इन स्पेसेस के अंदर कौन होता है, इन स्पेसेस के अंदर होता है ऑस्टियोसाइट्स। अब ऑस्टियोसाइट्स क्या करेंगे, बोनी मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे, है ना, और ऑस्टियोसाइट्स क्या करेंगे, बोनी मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे, तो इसी वजह से बोन का साइज कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ, नॉट थ्रू आउट द लाइफ बट एट फॉर टिल अ स्पेसिफिक एज, वो जो बोन का जो लेंथ होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में। अरेंजमेंट कैसा है, अगर मैं यही अरेंजमेंट अब मैं इस डायग्राम को अगर यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँ, यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँ इस एरिया में, तो देखो सेंटर में आपके हवेशियन कैनाल है, उसके बाद देयर इज योर वन रिंग, दिस इज योर वन रिंग, दिस इज योर अदर रिंग, करेक्ट आया समझ में, दिस इज योर अदर रिंग। अब रिंग के अंदर क्या है, रिंग के अंदर है लैक्यूना, रिंग के अंदर क्या है लैक्यूना, लैक्यूना के अंदर क्या है ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स क्या करते हैं मैट्रिक्स सिक्रेट करते हैं, तो सर्कुलर वे में मैट्रिक्स कंटिन्यूसली सिक्रेट होती रहती है। आई बात समझ में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये पर्टिकुलर इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ऑस्टियन, इस पूरे अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ कंसेंट्रिक लैमेला ऑन हवेशियन कैनाल, हवेशियन कैनाल के अराउंड जो कंसेंट्रिक लैमेला का अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं ऑस्टियन। तो ऑस्टियन और हवेशियन सिस्टम, ठीक है, इसका नाम है ऑस्टियन और हवेशियन सिस्टम बोलते हैं इसे। अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हवेशियन सिस्टम इज अ फीचर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ये जहां पे इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट अगर आपको मिलता है ना, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट एक के ऊपर एक एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड, तो ये वाला ये जो है हवेशियन सिस्टम है ये आपको कॉम्पैक्ट बोन देता है। मान ली कॉम्पैक्ट बोन किससे बना होता है, कॉम्पैक्ट बोन इज अ फीचर ऑफ, सॉरी हवेशियन सिस्टम इज अ फीचर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, समझ में आई बात, कि ये हवेशियन सिस्टम आप कौन से बोन्स में देखोगे, कॉम्पैक्ट बोन्स में, नॉट इन स्पॉन्जी बोन्स, स्पॉन्जी बोन्स का अरेंजमेंट कुछ और होगा, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ये ऐसा होता है, मैंने आपको दिखाने के लिए तो ऐसे जूम इन किया हुआ है, जो इसके अंदर जो ये लैक्यूना है, लैक्यूना के अंदर ये है ऐसे ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट दूसरे ऑस्टियोसाइट्स, यानी एक ऑस्टियोसाइट्स अगर इसके अंदर है और दूसरा इसके अंदर है तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, केनाक्यूली बोलते हैं, केनाक्यूलीज, ठीक है, केनाक्यूलीज मतलब कैनाल समझ लो, कैनाल को क्यूली लगा दिया उन्होंने पीछे, केनाक्यूली बोल दिया इसको, ठीक है, तो केनाक्यूली इज द कनेक्शन बिटवीन द ऑस्टियोसाइट्स, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा वो होगा ऑस्टियोसाइट्स का। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर जितने भी हवेशियन कैनाल्स होंगे उसके अराउंड, जैसे एक ये तो इसके अराउंड पे भी वैसे ही ऑस्टियोसाइट्स अरेंज है, ये है इसके अराउंड भी वैसे ही ऑस्टियोसाइट्स अरेंज है, तो जितने सेंटर में है इनके अराउंड तो हो गया, इनके अराउंड तो मैट्रिक्स कंप्लीटली सीक्रेट होती रहेगी। फिर ऐसा ही, फिर ऐसे ही एक
ऐसे ही जैसे ये वाला का नाम था कंसेंट्रिक लैमेली, है ना, देखो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ये वाले का नाम था कंसेंट्रिक लैमेली। तो ऐसे ही दो और लैमेली हमें मिलता है जिसका नाम है, वन इज इंटरस्टीशियल लैमेली। अब जहाँ पे ये कंसेंट्रिक लैमेली, यहाँ पे मान लो ये रीजन है यहाँ पे कंसेंट्रिक लैमेली और यहाँ नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? बिकॉज यहाँ पे इनके आसपास हवेरसियन कैनाल है नहीं, तो वहां पर कौन काम करेगा? इंटरस्टीशियल लैमेली करेगा। इंटरस्टीशियल लैमेली के पास भी ऑस्टियोसाइट्स होंगे, वहां पे भी स्पेसेस होगी, वो ऑस्टियोसाइट्स से वहां पे सेक्रेट कर देगा। एक और होता है सर्कमफेरेंशियल लैमेली। अगर आप इमेजिन करो मैं एक बार मिटा देता हूँ, थोड़ा बहुत भीड़ हो गया। अगर आप इमेजिन करो इफ दिस, हमने तो एक छोटा सा पार्ट देखा था, बट अगर हम इसको जूम इन करें तो क्या हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा एज अ राउंड, है ना, और ये भी एक राउंड देगा। समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? We will get one this round, एक ये round हमें मिल गया, एक बाहर वाला round मिल गया। तो ये जो surface जो periosteum होता है, periosteum के just नीचे भी एक type की lamellae होती है, जिसका नाम है circumferential lamellae। Why? Because ये circle के circumference पे घूमता है, circle के circumference पे present होता है, और वहाँ पे ये लोग क्या produce करते हैं? Osteocytes produce करते हैं। वहाँ पे ये लोग क्या produce करते हैं? Osteocytes produce करते हैं। ठीक है? तीन type की lamellae आपने देख ली। पहली होती है concentric lamellae, okay? पहली होती है concentric lamellae. Concentric lamellae give rise to what? Your Hawaiian system. और Hawaiian system is a feature of your compact bone. Simple logic. फिर because देखो Hawaiian system ना पूरे bone को cover नहीं कर पाती है, कुछ hollow spaces रह जाती है, जैसे ये हो गया और फिर एकदम margin के ऊपर हो गया, तो उनको cover करने के लिए there are two more lamellae called as interstitial lamellae and circumferential lamellae, circumferential lamellae and interstitial lamellae. तो ये तीन lamellae क्या करती है? पूरे स्ट्रक्चर के अराउंड osteocytes प्रोड्यूस करती है, और osteocytes अपना secretion, bony matrix का secretion continuously करते रहते हैं। ठीक है सर? एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये रहा आपका bone marrow के अराउंड, bone marrow के सरफेस पे यू विल फाइंड सम स्टेम सेल्स। तो ये स्टेम सेल्स कंटिन्यूअसली, और ये जो स्टेम सेल्स है ये कंप्लीट कंटिन्यूअसली ऑस्टियोसाइट्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये रहा आपका bone marrow, जो अंदर का सर्कल था उसकी सरफेस के ऊपर यू विल फाइंड स्टेम सेल्स, और वो स्टेम सेल्स विल गिव राइज टू ऑस्टियोसाइट्स। सेम अंदर की तरफ है तो सेम बाहर की तरफ भी, आप जो बाहर का सर्कल आप देख रहे हो उसके इनर सरफेस पे यू विल फाइंड सम स्टेम सेल्स, उसके इनर सरफेस पे यू विल फाइंड सम स्टेम सेल्स। वो स्टेम सेल्स गिव राइज टू ऑस्टियोब्लास्ट, जो ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट होके बन जाते हैं ऑस्टियोसाइट। तो इसमें अगर आप देखोगे इस तरफ से भी ऑस्टियोसाइट्स आ रहे हैं और इस तरफ से भी ऑस्टियोसाइट्स आ रहे हैं, यानी दोनों तरफ से, यानी दोनों भी क्या, बिकॉज एक ये है, एक ये है, फिर यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, कि ऑस्टियोसाइट्स का जो है ग्रोथ हो रहा है इस बोन का, जो ग्रोथ हो रहा है इस बोन का, ये बाई डायरेक्शन, ये चारों तरफ से हो रहा है। ठीक है? बाई डायरेक्शन मतलब, बाई का मतलब ऐसे टू होता है, देखो ध्यान से, बट अगर हम एक साइड को कंसिडर करें कि देखो बाहर से अंदर हो रहा है और अंदर से बाहर हो रहा है, यानी टू डायरेक्शन, ऐसे एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के टूवर्ड्स ग्रोथ हो रही है, दिस इज योर बाई डायरेक्शनल ग्रोथ। ये चीज समझ में आया? TS of a bone a little on a higher side, I know this is very in depth, maybe आपके स्कूल टीचर्स ने टच भी नहीं किया होगा। ये स्कूल टीचर मस्ट हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, इन सब के बारे में डिस्कस हुआ था। Yes or no? कि आप वहां भी सो रहे थे और यहां भी सो रहे हो? We will go to chondrocytes, don't worry. Osteocytes हुआ था कि नहीं, that is important. बाकी कोई different school? जिनकी नहीं हुआ, that this question is not for you. The question is only for the person जिनका इस school में हुआ है। नहीं हुआ तो दैट डजंट काउंट।
तो नहीं हुआ मतलब यू हैवंट रीच्ड टिल सेवेंथ चैप्टर और द पर्सन हैज स्किप्ड सेवेंथ चैप्टर लाइक आई डिड एंड वो आगे मूव ऑन कर गया है प्रतीक you haven't till reached till ओके तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा इसके अलावा कुछ TSF of bone is it clear? We'll now see the arrange. This ये arrangement होता है compact bone में जो compact bone होते हैं ना आपके compact bone जो होते हैं the more harder side जो कुछ इस type का होता है arrangement of osteocytes उसमें ऐसा होता है तो इसमें कोई doubt है तो please confirm करो अभी के अभी then we'll move to the spongy bone का arrangement कैसा होता है spongy bone जो होते हैं उनमें arrangement कैसा होगा Please confirm. Okay, we'll move to the next topic then. So ये रहा spongy bone. अब देखो bone है तो इसके जो बाकी सारी चीजें होंगी rest everything is same. ठीक है spongy bone की location अगर आप जानना चाहो तो जो भी flat bones होते हैं जैसे skull होता है pelvic region जो होता है ribs जो होती हैं epiphysis of long bone. Epiphysis पता ना याद होगा ये वाला part. बोन का इस पार्ट को एपिफाइसिस बोलते हैं लॉन्ग बोन के जो एपिफाइसिस होते हैं स्पॉन्जी बोन से बने होते हैं ठीक है स्कल रीजन जो हो गया पेल्विक रीजन जो हो गया रिब्स हो गया स्टर्नम पट्टी बनती है ना वो स्टर्नम तो वो सब चीजें स्पॉन्जी बोन से बनी होती है सो दिस इफ यू सी द लोकेशन तो ये रहा ऊपर की जगह पे स्पॉन्जी बोन होता है स्पॉन्जी बोन इसको क्यों बोलते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारी स्पेसेस होती है एयर कैविटीज अगर आप इसे बोल सको तो बहुत सारी एयर कैविटीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है ठीक है अब कौन कौन से सेल से बना हुआ है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन से सेल से बना हुआ है तो सेल्स आर एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस वन जो कॉम्पैक्ट बोन है उनमें जो सेल्स थे तीन ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट तो ये वो तीनों सेल इसी के अंदर भी होते हैं मैट्रिक्स जो उसमें थी कैल्शियम
कार्बोनेट, तो वो भी सेम है, ठीक है. दिस एवरीथिंग इज सेम, सेल का कंपोजिशन, मैट्रिक्स का कंपोजिशन, एवरीथिंग इज सेम. द ओनली डिफरेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड मैट्रिक्स फॉर्मेशन अराउंड इट. कि पहले वाले में जो ये चीज हो रही थी ना, कंसेंट्रिक लैमिली बन रहा था, कंसेंट्रिक लैमिली के अराउंड हमारे ऑस्टियोसाइट्स, राउंड कंसेंट्रिक राउंड्स के अंदर हमारे ऑस्टियोसाइट्स आ रहे थे एंड देन दे वर प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स. तो वही अरेंजमेंट इस बार नहीं होगा, द अरेंजमेंट विल बी अ लिटिल डिफरेंट. तो वो क्या डिफरेंट है देन अपने प्रीवियस वाले कॉम्पैक्ट बोन से, वो जरा देखते हैं. तो इसमें क्या होता है, देखो आई विल शो यू द स्पेसेस पहले. स्पेसेस कैसा होता है, इफ यू सी, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना होता है ट्रिबेक्यूली से बना होता है. ट्रिबेक्यूली, TRABECULI, ट्रिबेक्यूली, ठीक है. ट्रिबेक्यूली क्या होता है इसमें, दिस इज जस्ट अ नेटवर्क ऑफ द बोन, दिस इज जस्ट द नेटवर्क, ठीक है. ये बोन्स का ऐसे, बोन्स नहीं मतलब दीज आर द नेटवर्क ऑफ योर बोन्स, मतलब इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होने वाली है. तो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ब्रांच्ड होती है, पूरा पूरा ब्रांच्ड होता है. तो इफ यू सी द इनर, जो एक कैविटी अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस कैविटी में क्या होता है, कैविटी पिछली बार भी थी इसमें, उस कैविटी को बोलते हैं हम रेड बोन मैरो, ठीक है. तो इसमें अगर इस बोन को आपको स्टडी करना है तो आपको टीएस लेना पड़ेगा. तो अगर आप इसको यहाँ से कट करते हो, यहाँ से, और फिर आप उसका टीएस अगर ऑब्जर्व करते हो, टीएस ऑफ ट्रिबेक्यूली, ठीक है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ ट्रिबेक्यूली, ठीक है, जो स्पॉन्जी बोन होता है, नेटवर्क ऑफ ट्रिबेक्यूली, उस नेटवर्क की वजह से इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा बन जाती है. जैसे कि ना स्पेस अगर आप देखना चाहो तो ये स्पेस देखो बीच में खाली बन गई, ये स्पेस खाली बन गई, ये स्पेस खाली बन गई. तो ये एयर एयर कैविटीज ये बहुत ज्यादा होती है उन पर्टिकुलर बोन्स में. तो अगर आप टीएस देखोगे तो तीन टाइप के सेल्स हैं, कैसे कैसे अरेंज्ड होते हैं देखो. तो सबसे पहले तो ये ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, जो बाकी जो एज्ड सेल को खा जाते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट. उसके बाद आपके, उसके बाद ये है अपने, ओके मैं दोनों ऑस्टियोक्लास्ट, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट होना चाहिए, सॉरी दिस हैज टू बी ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोक्लास्ट ये बड़े वाले हैं, ब्लैक कलर के जो बड़े वाले हैं. फिर दिस इज योर ऑस्टियोब्लास्ट, जो छोटे वाले हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट जाके क्या बना देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट. ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट का कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है. उन कनेक्शन को केनाक्यूली बोलते हैं, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ, ये भी प्रीवियस वाले में सेम था. तो इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है इनके अंदर, ठीक है. लाइक नॉट एग्जैक्टली कंसेंट्रिक, रिंग्स के फॉर्म में नहीं बनता है, रिंग्स के फॉर्म में नहीं बनता है ये वाला, ठीक है. रिंग्स के फॉर्म में इस बार नहीं बनता है. तो ये देख लो, ये इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होगा. जो यहाँ पर अरेंजमेंट था वो कुछ इस टाइप का था, कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में था. यहाँ पर वो एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है और वो अपना मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑस्टियोसाइट्स अपना मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. का अरेंजमेंट होता है. तो स्पॉन्जी बोन एंड योर कॉम्पैक्ट बोन, डिड यू अंडरस्टैंड देम? स्पॉन्जी बोन एंड योर कॉम्पैक्ट बोन, ये चीज समझ में आ गई. देन वी विल मूव टू द मैट्रिक्स वाला पार्ट, नॉट मैट्रिक्स, कार्टिलेज, सॉरी, विल मूव टू दिस कार्टिलेज पार्ट. ओके, सो कार्टिलेज का भी देखेंगे कि हाउ कार्टिलेज डिफर फ्रॉम अ बोन, कि कार्टिलेज बोन से कैसे डिफर करता है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन अ कार्टिलेज, कैसे सेल्स होते हैं और मैट्रिक्स किसका बना होता है, मैट्रिक्स किसका बना होता है. सिमिलर वे जैसे हमने बोन पढ़ा था वैसे इसे पढ़ना है, ठीक है. तो अगर आप देखो, दिस इज अ कार्टिलेज, दिस इज अ कार्टिलेज, ठीक है. तो कार्टिलेज के सेल्स कौन से होते हैं, आपको कार्टिलेज पता होगा ना, जो नोज टिप पे वगैरह होता है, नोज टिप ईयर पे ना, जो एक्सटर्नल ईयर है वो, ठीक है, बहुत जगह पे होता है, ठीक है. आपके जो ट्रेकिया के जो रिंग्स होती है वो भी कार्टिलेज से बनी होती है. कार्टिलेजिनस फिश होती है पूरी, जो कार्टिलेजिनस जो भी कार्टिलेज से बनती है, ठीक है. तो ये कार्टिलेजिनस बोन्स होते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, नॉट एग्जैक्टली वेरी स्टिफ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट दे आर अ लिटिल फ्लेक्सिबल, ये थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फाइबर दे हैव. तो वी विल सी कि हाउ इट इज फ्लेक्सिबल, ये इतने फ्लेक्सिबल क्यों हैं, वो वाले क्यों नहीं, बिकॉज उनके अंदर टाइप्स ऑफ सेल वाज वेरी डिफरेंट. उनपे फाइबर्स ज्यादा नहीं थे, उनमें फाइबर्स का प्रेजेंस उतना नहीं था, लेकिन यहाँ पर है. देखोगे कार्टिलेज, अगर कोई भी आप कार्टिलेज, किसी भी कार्टिलेज की स्टडी करोगे, किसी भी कार्टिलेज बोन की आप स्टडी करोगे, फॉर एग्जाम्पल नोज टिप, तो आप उसमें अगर सेल देखोगे तो दो टाइप के सेल मिलेंगे, वन इज योर कॉन्ड्रोसाइट्स एंड अदर इज योर कॉन्ड्रोब्लास्ट. तो सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी, कॉन्ड्रोब्लास्ट से ही कॉन्ड्रोसाइट्स बनते हैं. कॉन्ड्रोब्लास्ट आने वो कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब वो सेल जो
मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे और वो सेल्स बन जाते हैं कौन से, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, तो इन दोनों को इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो। तो मैट्रिक्स जो हो गया, मैट्रिक्स क्या होता है, रबरी होता है, थोड़ा रबर का जो फील होता है ना उस टाइप का होता है। मैट्रिक्स इज रबरी एंड हैज फाइबर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइबर जो होता है वो ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है, इट इज रबरी एंड हैज फाइबर्स। वहां पर क्या था, वहां पे प्रोटीन्स थे, कैल्शियम कार्बोनेट था एंड कैल्शियम सल्फेट था, आई गेस जो भी था। We'll just confirm once. Come here. Calcium phosphate and calcium carbonate. Yes. Okay. So is case mein it is made up of chondroitin sulfate. Hey, this is a compound, chondroitin sulfate। तो इससे पूरी मैट्रिक्स बनी होती है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स ही वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर उसका देखेंगे कैसे एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ बोन, एक बोन से डिफरेंट कैसे है वो। We will just see. Give me 1 minute. देखो ये भी वही चीज है, अगर आप इसकी स्टडी करो किसी भी कार्टिलेज बोन का, अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हो तो कार्टिलेज बोन में देयर इज नो हॉलो स्पेसेस। जो हॉलो स्पेस जिसमें बोन मैरो वगैरह होता है ना, वो इस केस में नहीं होता है। तो इफ 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 दिस फॉर एग्जांपल दिस इज योर कार्टिलेज बोन, देयर इज नो हॉलो कैविटी। अगर आप डायरेक्टली इसका टीएस ले लो ना, यू विल फाइंड ओनली दिस ऑन देयर इज देयर विल बी नो कैविटी प्रेजेंट। ठीक है, उसके अंदर डेफिनेटली यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बट देयर इज नो कैविटी। जैसे पिछली बार कंसेंट्रिक रिंग्स बन रही थी, बिकॉज अगर देखो अगर यहाँ पे एक हॉलो कंपार्टमेंट होता और अगर हम उसका टीएस लेते तो अगर हमें क्या, तो हमें ऊपर से क्या दिखता, एक ये और एक अंदर से एक और लेयर दिखती, ऐसा हमें वहां पर दिख रहा था। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, इस केस में हमें क्या दिखने वाला है, बिकॉज देयर इज नो अंदर की कैविटी बोन मैरो के लिए, ये सिर्फ एक हॉलो ऐसे स्ट्रक्चर हमें दिखने वाला है। तो इफ यू सी कैसे होगा, देखो सो ये रहा आपका ऊपर वाला सर्फेस। जैसे वहां पे पेरी और पेरी ऑस्ट्रियम था, वैसे यहाँ पे पेरी कॉन्ड्रियम है। ठीक है, वैसे यहाँ पे पेरी कॉन्ड्रियम है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो इसके नीचे पेरी कॉन्ड्रियम के नीचे सेल्स होते हैं जिनका नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट आपको पता होगा जो कॉन्ड्रोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स अपना मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट से कुछ सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, बन जाएंगे क्या, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, कॉन्ड्रोसाइट्स के एनवेलप पे, कॉन्ड्रोसाइट्स एनवेलप है, कॉन्ड्रोसाइट्स के बाहर एक सरफेस है, कॉन्ड्रोसाइट्स के बाहर एक देयर इज एन एनवेलप जिन्होंने बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स देखो मैंने डायग्राम में भी बताया कि देखो वो राउंड भी बने हुए हैं, वो 3 राउंड भी हैं, 4 राउंड भी हैं। ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या है कि वो सिंगली भी कॉन्ड्रोसाइट्स अरेंज हो सकता है, ग्रुप में भी अरेंज हो सकता है, बट दे विल बी ऑलवेज कवर्ड बाई अ लैक्यूना, दे विल बी ऑलवेज कवर्ड बाई अ लैक्यूना। ओके, तो ये रहा अपना सरफेस। ठीक है, उस बोन के जब आप एक्सटर्नल सरफेस देखोगे, दैट विल बी योर पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे यू विल फाइंड योर कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट विल गिव राइज टू द मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आप साइट्स को देखोगे इनके, कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं, बिकॉज दो टाइप के सेल से बने होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट, तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं दे विल बी एनवेलप्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बाय अ लैक्यूना, और वो लैक्यूना इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी।
जो लैक्यूना होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसके अंदर आपके ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसा हमने वहां पे भी बताया था कि भाई इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, अगर फाइबर्स प्रोड्यूस करने हैं आपको, फाइबर्स प्रोड्यूस करने हैं तो फाइब्रोब्लास्ट होना जरूरी है, अगर फाइबर्स प्रोड्यूस करने हैं तो फाइब्रोब्लास्ट होना जरूरी है, अगर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रोड्यूस करना है तो कॉन्ड्रोब्लास्ट होना जरूरी है, अगर फाइबर्स प्रोड्यूस करना है तो फाइब्रोब्लास्ट होना जरूरी है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे, फाइब्रोब्लास्ट दोनों टाइप के फाइबर्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट रखना। जो फाइब्रोब्लास्ट हैं आपके, फाइब्रोब्लास्ट जो हैं, आर यू एबल टू हेयर मी, आप लोग को आवाज आ रही है? यू आर एबल टू हेयर मी राइट? ओके ओके गुड। व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो आपके फाइब्रोब्लास्ट होते हैं दोनों टाइप के फाइबर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों टाइप के फाइबर में कौन से फाइबर्स की बात कर रहा हूँ जरा बताना, एक तो इलास्टिन है, दूसरा फाइबर कौन सा है? लेट मी सी योर नॉलेज की कब सब सुनी रहे हो कि कुछ याद भी कर रहे हो। ओके आई गॉट वन आंसर, वन इज इलास्टिन एंड वन इज कोलेजन। तो दोनों फाइबर को कौन प्रोड्यूस करता है? फाइब्रोब्लास्ट ही प्रोड्यूस करता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे फाइबर होना जरूरी है, तो फाइबर्स कहाँ से आएगा? फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट होना जरूरी है। तो जो कोलेजन होता है इनको ऐसे ब्लैक कलर के ऐसे स्ट्रैंड्स में दिखाते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट फ्लेक्सिबल, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, इसलिए उनको ऐसे स्ट्रैंड्स में दिखाता है। तो ये अगर आप ब्लैक कलर का आप देख रहे हो ना, जो जो आप ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं योर कोलेजन। और जो इस टाइप का एक थोड़ा सा ये जो वी काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली हम इसे ऐसे बनाते हैं, तो इसे इलास्टिन बोलेंगे। तो इलास्टिन एंड कोलेजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है, इलास्टिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। बट अगर आपने एक चीज देखोगे, देर इज यहाँ पे देखो, देर इज ओनली एक ही साइड पे देर इज कॉन्ड्रोब्लास्ट, बट कॉन्ड्रोब्लास्ट एक ही साइड पे है। बट अगर यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ पर अगर हम देख रहे थे, तो यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं आपके ऑस्टियोब्लास्ट है ना, ये दोनों सरफेस पे होने वाले हैं। इस सरफेस पे भी ऑस्टियोब्लास्ट होंगे, जो आउटर सरफेस है, और जो इनर सरफेस है उस पर भी ऑस्टियोब्लास्ट होंगे। इसलिए दोनों सरफेस, जैसे ऊपर वाली सरफेस है ये यहाँ से, ये ऊपर वाली सरफेस यहाँ से कंटिन्यूसली मैट्रिक्स प्रोवाइड कर पा रही है, और नीचे वाली लेयर यहाँ से कंटिन्यूस मैट्रिक्स प्रोवाइड कर पा रही है। हाँ, are you able to hear me? सुन रहे हो, पा रहे हो? I will see कि network disconnect ना हो। हाँ, so ऊपर वाली layer है, नीचे वाली layer है, दोनों layer, दोनों surface, दोनों तरफ से osteoblast, osteocytes produce करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी osteoblast है, यहाँ पे भी osteoblast है, why? Because of the presence of a hollow cavity. तो ये unidirectionally growth हो रहा है। बट अब जब पार्ट कार्टिलेज देखोगे, कार्टिलेज में देयर विल बी ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शनल, देयर विल बी ओनली अ यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ इसी डायरेक्शन में मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगा। व्हाई? इस अपोजिट में नहीं है, मतलब यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज देयर इज नो हॉलो कैविटी। समझ में आ गई बात? तो देयर इज नो हॉलो कैविटी, जैसे वहां पर बोन मैरो के लिए जो कैविटी थी वो कैविटी अभी यहाँ पर नहीं है। तो इसकी जो ग्रोथ होती है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, नॉट बाई डायरेक्शन। उसकी बाई डायरेक्शनल होती है, ऊपर से भी होता है, ऊपर वाली लेयर भी करती है, नीचे वाली लेयर भी करती है, बाई डायरेक्शनल हो गया। इसमें सिर्फ ऊपर वाली लेयर करती है अंदर की तरफ, दैट इज वाई इट इज यूनिडायरेक्शनल ओनली, दैट इज वाई इट इज यूनिडायरेक्शनल ओनली। कंफर्म? क्लियर? और कोई डाउट? कार्टिलेज क्लियर है? अब जो डिफरेंट टाइप्स आते हैं, अगर आपने देखा होगा, डिफरेंट टाइप्स आते हैं कार्टिलेज के, डिफरेंट टाइप्स होते हैं कार्टिलेज के, अगर आपको याद हो तो उस फ्लो चार्ट से जरा मुझे बताओ कि कौन कौन से टाइप के कार्टिलेज होते हैं। तीन टाइप के कार्टिलेज हमने डिस्कस किए थे, चलो वापस मत जाओ, मैंने नीचे लिखा ही हुआ है, हमने तीन टाइप के कार्टिलेज डिस्कस किए थे, मतलब सिर्फ लिखे थे वहां पे, वी सेड कार्टिलेज वाज हाइलिन, वन वाज फाइब्रो कार्टिलेज, अनदर वाज इलास्टिन कार्टिलेज। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये सब जो चेंजेस, जो तीन वैरायटी आ रही है, ये आ रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स, ठीक है। अगर देखो, सबसे पहले बात, जो हाइलिन कार्टिलेज है, अगर उसमें फाइबर मिनिमल है, यानी नियरली जीरो फाइबर्स है, एकदम मैट्रिक्स क्लियर है, मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है, सिर्फ और सिर्फ फाइबर अपने
कॉन्ड्रियोब्लास्ट है, कॉन्ड्रियोसाइट है, देयर इज नो फाइबर्स, मैट्रिक्स इज क्रिस्टल क्लियर लाइक ग्लास. उस कार्टिलेज को हम बोलेंगे हाइलिन कार्टिलेज. उस कार्टिलेज को हम क्या बोलेंगे? हाइलिन कार्टिलेज, HYALINE. उस कार्टिलेज को हम बोलेंगे हाइलिन कार्टिलेज. ओके, क्लियर? हाइलिन कार्टिलेज समझा, जिसमें फाइबर्स नहीं होने वाले हैं, इट विल बी क्रिस्टल क्लियर. वैसा कार्टिलेज जिसमें देयर विल बी नो फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड एज हाइलिन कार्टिलेज. कंफर्म? ओके, नेक्स्ट थिंग इज योर फाइब्रो कार्टिलेज. अब फाइब्रो कार्टिलेज में क्या होना है? मैट्रिक्स विद कोलेजन फाइबर. इलास्टिन तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है. अगर इलास्टिन कार्टिलेज की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर कौन सा फाइबर होने वाला है? इलास्टिन कार्टिलेज के अंदर कौन सा फाइबर होगा? कैन एनीवन गेस? इलास्टिन कार्टिलेज के अंदर कौन सा फाइबर होगा? सिंपल लॉजिक, इलास्टिन फाइबर ही होगा ना, सिंपल इलास्टिन फाइबर ही होना है. तो फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर कौन सा फाइबर बच गया? कोलेजन. तो फाइब्रो कार्टिलेज में कौन सा फाइबर होने वाला है? कोलेजन फाइबर होने वाला है. कोलेजन फाइबर एज यू ऑल नो भाई टफ होता है कि नहीं? कोलेजन फाइबर इज टफ, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, और व्हाइट कलर का होता है, इसलिए कभी कभी इसको व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज भी बोल देते हैं. ठीक है, बिकॉज कोलेजन व्हाइट कलर का होता है, इलास्टिन येलो कलर का होता है, तो इसीलिए इसको कभी कभी अपन व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज भी बोल देते हैं. इसलिए हम इसको कभी कभी व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज भी बोल देते हैं. तो वी हैव थ्री टाइप्स. हाइलिन, जिसमें देर इज बहुत ही कम फाइबर, होंगे तो दोनों होंगे, बहुत ही कम होंगे बट. देन वी हैव फाइब्रो कार्टिलेज. फाइब्रो कार्टिलेज क्या है जी? फाइब्रो कार्टिलेज क्या है आपके? फाइब्रो कार्टिलेज इज मैट्रिक्स विद कोलेजन फाइबर. फाइब्रो कार्टिलेज अगर आप समझ रहे हो, मैट्रिक्स विद कोलेजन फाइबर टफ होती है. ठीक है, जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर कोलेजन फाइबर बहुत होंगे. अब देखो, अगर कोलेजन फाइबर होंगे, अगर मुझे, चलो एक और चीज बताओ, अगर कोलेजन फाइबर है तो क्या फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होगा? अगर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है तो क्या फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होगा? व्हाट इज फाइब्रोब्लास्ट इफ आई आस्क? व्हाट इज फाइब्रोब्लास्ट? फाइबर्स बनाता है, दैट इज योर फाइब्रोब्लास्ट. तो इफ आई से कि वहां पे उस पर्टिकुलर कार्टिलेज में देयर इज कोलेजन फाइबर प्रेजेंट, तो कैन आई से कि वहां पे फाइब्रोब्लास्ट भी होगा? यस, कैन आई से कि वहां पे फाइब्रोब्लास्ट भी होगा? करेक्ट, गुड. तो ये तीन टाइप के थे भाई, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज. और डिटेल में देखेंगे इन्हें अगली स्लाइड में, और देखेंगे कि ये कहां कहां पर होता है, प्रेजेंस क्या क्या है. ठीक है, एक और बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा देखो वहां पर. देखो यहाँ पर क्या आपने वो चीज ऑब्जर्व करी कि भाई देयर इज नो, चलो आई विल आस्क, अगर मैं ये स्ट्रक्चर बताऊं, ये ऐसे राउंड राउंड बनाऊं, तो डू यू इमेजिन ये क्या है जो हमने वहां पर बनाए थे क्या बोलते हैं, बोन्स में बनाए थे ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स, क्या नाम था उनका? चलो नाउ वी विल, दिस इज योर टेस्ट. अब मुझे पता चलेगा कितने लोगों को समझ में आ रहा है. Yes, one has given the correct answer. I want answers from everyone. I will name this ka nahi aaya answer. I got answer only. I have 12 people. I will count. Prateek has said. Prateek, Akansha, Tanuja, Neha, Gayatri, Vaishnavi, Yush. Sonali, Megha. और भी हैं दो. एक आंसर नहीं आ रहा, मैं कहां है भाई आज? महक इज नॉट आंसरिंग, आई गेस महक सो गई है लाइव क्लास ऑन करके. महक, आर यू एबल टू हियर अस? साहिल हैज आल्सो नॉट गिवन आंसर. साहिल जी आप कहां है?
These two people are still remaining. I don't know where are they. Chalo, theek hai. Everyone has understand. So if I say there is no Hervasian canal, so what does that mean? Ki wahan par kya nahi hoga? Wahan par kya nahi hoga? Okay, no problem. वहां पर क्या नहीं होगा? लैक्यूना कहां से आ गया बीच में? इफ आई से कि वहां पर हर्वेसियन कनाल नहीं है, सो व्हाट डज दैट मीन कि वहां पर क्या चीज नहीं है? ऑस्टियोब्लास्ट कहां से आ गया? अगर आप कार्टिलेज पढ़ रहे हो तो ऑस्टियो नाम कहीं भी नहीं आने वाला. ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स नहीं है, करेक्ट. ब्लड वेसल्स एंड नर्व नहीं है. अगर ब्लड वेसल्स एंड नर्व नहीं है तो बिकॉज सेल्स तो है, तो सेल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा भाई? नहीं पता, मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है. देखो जी, क्योंकि अंदर हर्वेसियन कनाल टाइप का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है. तो जो भी नर्व सेल्स होते हैं, जो भी हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं, जो भी हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ये सिर्फ टॉप लेयर तक आते हैं. यानी टॉप लेयर यानी कौन सी? पेरिकॉन्ड्रियम. पेरिकॉन्ड्रियम तक वो आते हैं, ठीक है. पेरिकॉन्ड्रियम तक वो आपके आएंगे. पेरिकॉन्ड्रियम से, पेरिकॉन्ड्रियम सारा न्यूट्रिशन ब्लड वेसल से, सब न्यूट्रिशन गैसेस सब ले लेगा और पेरिकॉन्ड्रियम से वो चीज अंदर डिफ्यूज हो जाएंगी. पेरिकॉन्ड्रियम से वो चीज अंदर डिफ्यूज हो जाएंगी, ठीक है. समझ में आ गया? समझ में आ गया? कंफर्म कर दो प्लीज. ओके, सो नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद दिस टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. उसके बाद बहुत डिटेल में वाले टॉपिक्स आने वाले हैं, सो आई डिडंट वांटेड टू स्टार्ट देम बिकॉज देन देयर विल बी अ गैप, अ लॉन्ग गैप. पेरिकॉन्ड्रियम इज परमिएबल, यस डेफिनेटली ना. ये तो नॉर्मल सेल्स हैं. There is no layer, there is no lipid and carbohydrates and anything there, that is not involved. Lipid hota, koi structure hota, to usko cross karna is difficult. All these are normal cells only. It is easily penetrable. Diffusion se ho raha hai wo bhi, dekho na, diffusion is without energy. So this is the last topic for today. If we'll finish, we'll go home. And I have already sent you the PDF. So that thing you have to do is, you just have to revise it. Until your next class starts, you have to just revise it. I don't know, no one is going to do that, but agar kar loge to acha hoga, because then ab directly next week milenge to bhul jaoge, to it will be not good. So again, I will show you the difference between different type of cartilage. Mostly we know the difference. Hyaline is there, fibrocartilage is there, elastin cartilage is there. If you see the diagram, chondrocytes common hai, teenon mein chondrocytes hai. Chondrocytes ke around wo humne lacuna bhi banaya hua hai, correct, same hai. Fibroblast bhi humne teenon mein banaye hue hain. Ye dekho yahan raha red color ka fibroblast humne teenon mein banaye hue hain. Dekho yahan par there is no fiber, but humne thoda sa dikhane ke liye ek collagen aur ek elastin yahan par bana diya ki bhai theek hai. Aisa nahi hai ki nahi hote, thode bahut honge, but waise pura matrix hota hai, crystal clear hota hai. वैसे जब पूरा मैट्रिक्स होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, हमने ये चीज बोल दी. ग्लास लाइक मैट्रिक्स, वेरी फ्यू फाइबर्स, हमने बोल दिया. सेकंड, अगर आप देखोगे इसमें क्या होने वाला है, फाइब्रोकार्टिलेज में कौन सा फाइबर्स होंगे? फाइब्रोकार्टिलेज में कौन से फाइबर होंगे? फाइब्रोकार्टिलेज में कौन से फाइबर्स होंगे? कोलाजन, यस, कोलाजन, कोलाजन, कोलाजन फाइबर लिखा हुआ है. कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर हार्ड होते हैं कि फ्लेक्सिबल होते हैं? कोलाजन फाइबर हार्ड होते हैं कि फ्लेक्सिबल होते हैं भाई? वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, यस.
ओके सो यू अंडरस्टैंड द फाइब्रो कार्टिलेज. नाउ कम्स द इलास्टिन कार्टिलेज. इलास्टिन कार्टिलेज में कौन होना है भाई? इलास्टिन होगा. इलास्टिन मैट्रिक्स को क्या बना देगा भाई? फ्लेक्सिबल बना देगा, फ्लेक्सिबल बना देगा, फ्लेक्सिबल बना देगा. अब देखो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ये सब चीजें, तीनों का प्रेजेंस या ना प्रेजेंस होने के वजह से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ये होंगे. फॉर एग्जांपल देखो भाई, आपका जो फ्लेक्सिबल वाला है, फ्लेक्सिबल वाला कहाँ होगा? पिन्ना जो एक्सटर्नल ईयर है, पूरा एक्सटर्नल ईयर है. बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल, आप इसको कैसे भी मतोड़ मरोड़ दो, कुछ नहीं होता उसको. तो आपका जो एक्सटर्नल ईयर है जिसको पिन्ना बोलते हो भाई, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. योर नोज टिप, नोज की जो टिप होती है, तो मुक्का भी मार देना कुछ नहीं होगा, इधर उधर मुड़ जाएगी वो, ठीक है. दैट इज योर नोज टिप. योर एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस गले के अंदर वो देखते हो घंटा सा, वो जो फूड पाइप पे, वो जब हम खाना खाते हैं फूड विंड पाइप पे चिपक जाता है, ताकि सांस के साथ खाना विंड पाइप में ना घुस जाए, फूड पाइप में जाए. That is your epiglottis, ठीक है. तो इन सब रीजन में कौन से होते हैं भाई? योर फ्लेक्सिबल वाले, फ्लेक्सिबल वाले नोज टिप पे, एक्सटर्नल ईयर पे, एपिग्लॉटिस पे, बहुत सारी जगह और भी होती है, आप सर्च कर सकते हो. आपका जो ये वाला है कोलाजिन, जिसको हार्ड हार्ड सर्फेस चाहिए. हार्ड सर्फेस होना मतलब वो स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड होगा, यानी इट शुड बी शॉक रेजिस्टेंट, शॉक प्रूफ होना चाहिए वो जगह. वैसी जगहों पे ये जगह होगा जहाँ पे शॉक अब्सॉर्बेंट की जगह होती है, कि कोई चीज अगर इम्पैक्ट होता है तो वो इम्पैक्ट को झेल ले. फॉर एग्जाम्पल इज योर इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जो आपके वर्टेब्रल कॉलम होते हैं, वर्टेब्रल कॉलम के बीच में देयर इज अ स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. हर एक वर्टेब्रल कॉलम के बीच में देयर इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. दैट डिस्क इज मेड अप ऑफ योर कार्टिलेज. व्हाट हैपेंस, कभी आप जोर से बैठते हो, फिर आप जोर से गिरते हो, ठीक है, जोर से बैठते हो, जोर से गिरते हो, तो वहां पर आपके ये वाले आते हैं काम, ठीक है, ये वाले काम में आते हैं, ठीक है. इंटरवर्टेब्रल डिस्क, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ठीक है. ब्रेन, ब्रेन में कार्टिलेज, आई डोंट नो, ब्रेन इज बोनी, ब्रेन इज बोनी, ब्रेन में बोन होता है, कार्टिलेज नहीं होता है. मे बी यू माइट बी फाइंडिंग सम थिंग्स, आप देख लेना. मेरे हिसाब से ब्रेन में तो बोन ही होता है. स्कल, अगर आप ब्रेन मतलब स्कल की बात कर रहे हो ना, ब्रेन तो ब्रेन होता है, स्कल की बात कर रहे हो आप, है ना. Yes. तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला बीच वाला, जहाँ पे आपको शॉक रेजिस्टेंस है, कि मान लो आप बहुत ही जोर से आप इंपैक्ट करके आप बैठे हो किसी जगह पे, या फिर आप गिर गए, आप बैठ रहे हो, किसी ने चेयर हटा दी, तो जो आपका वर्टेब्रल बैक है, जो कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम है, इस पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो इंपैक्ट को झेलना पड़ेगा ना, वो इंपैक्ट तो झेलना पड़ेगा. तो वो इंपैक्ट को झेलने के लिए हार्ड फाइबर्स होने चाहिए वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे टोन प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट है आपका ये वाला कोलाजिन वाला फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है. प्यूबिक साइनेप्सिस एक स्ट्रक्चर होता है, इसको सर्च कर सकते हैं. प्यूबिक साइनेप्सिस किसे बोलते हैं? जो दो प्यूबिक बोन होते हैं, प्यूबिक बोन को ये जॉइन करके रखता है, तो उस एरिया में भी, जस्ट टू मेक इट सॉफ्ट, शॉक अब्सॉर्बेंट, वहां पर ये वाले कार्टिलेज होते हैं. पर अभी अपना पहला वाला है, जिसके अंदर बहुत ही कोई भी फाइबर्स नहीं है, यानी कोई भी फाइबर्स नहीं है, उतना स्ट्रांग होने की उसे जरूरत नहीं, कोई भी फाइबर है उसे स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं. फॉर एग्जाम्पल योर लैरिंग्स, लैरिंग्स इज योर वॉइस बॉक्स, larynx is your voice box, तो वहां पर आपके hyaline वाले होंगे. फिर tracheal rings, जो आपके trachea होता है, trachea moves to the esophagus and all, tracheal की जो ring होती है, that is made up of your cartilage. endoskeleton of embryo, जो initially जो embryo होगा है, उसका जो endoskeleton होता है, वो cartilaginous होता है, फिर cartilaginous में changes होते हैं, वो cartilage पूरा bone में convert हो जाता है, थोड़ा बहुत cartilage रह भी जाता है, as you know, tip and ear and all. एंड कार्टिलेजिनस फिशेज में डेफिनेटली कार्टिलेज ही होता है. तो वो कौन सा फिशेज में कौन सा वाला कार्टिलेज होगा? हाइलिन वाला, याद रखना, हाइलिन वाला कार्टिलेज होगा. टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, इज इट क्लियर? टाइप्स ऑफ कार्टिलेज इज क्लियर? इट इज सिंपल ना, अगर आप लॉजिक लगाओगे उसके पीछे, कि भाई ये इलास्टिन वाला ही क्यों, भाई ये फाइबर वाला ही क्यों, so that will give you a sense, वो चीज आपको याद भी रहेगी. उसको फिर आपको हर बार रखने की जरूरत नहीं है, कि भाई कौन कौन से टाइप के कार्टिलेज है. इफ यू नो कि यार एक्सटर्नल पिना फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, तो कौन सा बोन होना चाहिए, कौन सा फाइबर होना चाहिए. सेम इन द अपीयरेंस, या बट देर आर वेरी लाइक थिन, एंड बोन इज लाइक वेरी हार्ड. बोन इज वेरी हार्ड. उसके जो सेल्स होते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑल. क्या बोले तुम लास्ट वाला, मुझे समझा नहीं जयदीप. कॉन्जियोसाइज में ना हाइलिन कार्टिलेज होगा,
कार्टिलेजिनस फिश किस कैटेगरी में आती है? अब आप ये आपको आना चाहिए, कार्टिलेजिनस फिश कौन सी कैटेगरी में आती है? जिस कैटेगरी में आती है वो में हाइलिन कार्टिलेज होगा, सिंपल लॉजिक। अब वो कौन सी कैटेगरी में आती है फिशेस की, दैट वी हैव डन ऑलरेडी, ठीक है। सो वी विल बी फिनिशिंग हियर टुडे, बिकॉज इसके आगे जो जो डिटेल्स आने वाली है दैट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, दैट इज वेरी डिफरेंट। हाँ भाई, हाँ वही है, ठीक है। इसके आगे जो टॉपिक आने वाला है इट इज वेरी डिफरेंट और लिटिल इन डेप्थ, तो मैं नहीं चाहता था कि अभी ब्रेक हो जाए, ये बीच में गैप आ जाए, ठीक है। सो वी विल बी फिनिशिंग हियर, वी विल स्टॉपिंग हियर एंड wish you a happy Diwali to all of you, because we'll be meeting after Diwali now, and enjoy the day, enjoy your holidays if you have any specific holidays, okay, just enjoy your daily Diwali, okay, all the best to you, thank you so much for joining, thank you so much for all your wishes, thank you so much for joining, have a nice day, bye bye.